हाय गाइज़ वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे ग्रेड सिक्स की उर्दू सबक नंबर तीन असवा हसन और रवादारी आज इसका पार्ट टू हम हल करते हैं सवाल नंबर तीन है सबक के मतन के मुताबिक मौजों और दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएँ अलीफ़ सरकारी दोम सल्हु वसम की सीरत तयबा कामिल नमूना है बर्दाश्त और रवादारी का इबादत का मामलत का अकायद का दुरुस्त जवाब है बर्दाश्त और रवादारी का बे अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बनाया रास्ता मशलेरा सादा नेमत। दुरुस्त जवाब है मशलेरा। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो वो बन गए दोस्त जानी दुश्मन मददगार अहले ईमान दुरुस्त जवाब है जानी दुश्मन दाल फते मक्का के मौके पर शमाय रसालत हजूर सल्ला वसलम के गिरद परवानों की तरह जमा थे दोस्त सहबा कराम कुफ़ार सरदार दुरुस्त जवाब साहब कराम हज़रत हमजा रजीला तला शहीद किए गए गजवा ख़ंदक में गजबा बदर में गजवाहद में गजवा तबूक में दुरुस्त जवाब है गजब अहद में मजहबी रवादारी और अमनो अमान को फ़रोग मिला मिसाक मदीना से सुलाजुई से अख़ोत से इबादत से दुरुस्त जवाब है मसा के मदीना से मसा के मदीना में ये शर्त भी शामिल थी कि किम के मुकाबले में मजलूम की डैश की जाएगी सिफारिश मदद हाजत सरपरस्ती दुरुस्त जवाब है मदद सवाल नंबर चार है इस सबक का खुलासा अपने अलफाज में तहरीर करें हज़रत <ख़़> मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र तहम्मुल बर्दाश्त और रवादारी का अमली नमूना है हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशलरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहल मक्का को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मौके पर सब्र का दामन ना छोड़ा फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द सहाबा कराम रजील तहम परवानों की तरह जमा थे और मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े थे और वो सोच रहे थे कि उन्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि ने सब को माफ़ कर दिया माफ़ी की इससे बेहतर मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती मदीना मनवरा में आप सल्ला वसम ने ऐसा माशरा कायम किया जहाँ मुस्लिम और गैर मुसलम सब के साथ मसावी सलूक किया जाता मिसा के मदीना से मजहबी रवादारी और अमनो अमान को फ़रोग मिला इसी मददे की बरकत से इस्लाम को एक अजीम तहरीक और एक दीन के तौर पर तस्लीम किया गया हमें चाहिए कि हम हज़रत महम्मद सल्हुस वसलम की हयात तय्यबा की रोशनी में सब के साथ सिला रहमी से पेश आएं गैर मुसलमों के साथ रवादारी अपनाएं ताकि माशरे में हम आहंगी फ़रो पाए सवाल नंबर पाँच है खाली जगह आलम सरकार अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा डैश और डैश का कामिल नमूना है बर्दाश्त और रवादारी बे आप वसल्लम दूसरों की डैश तवज्जो से सुनते बात जीम अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए डैश बनाया है मशले रा दाल मक्का के बड़े बड़े डैश सर झुकाए खड़े थे सरदार हे हजूर अक्रम सल्लाम ने मदीने में मुकी मख्तलफ़ कबाइल को यकजा करके डैश माशरे की बुनियाद रखी पुरामन मिसा मदीना डैश हम आहंगी की बुनियाद बना बैनल मज़ाहिब सवाल नंबर छः है दर्ज झेल अल्फा को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें असवयसन हजूर अक्रम स हमारे लिए मशल राह है अख़वत हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने इंसार और महाज्रन के दरमियान अख़वत का रिश्ता कायम फरमाया खदा पेशानी हर एक से खंदा पेशानी से मिलो रवादारी इस्लाम रवादारी का दर्ज देता है नागवार ऐसी बात ना करो जो दूसरों को नागवार गुजरे लफ्ज़ों का खेल तीन ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें अलीफ के बाद बे आती हो जैसे कि अबर जबकि तीन ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें बे के बाद अलिफ आता हो जैसे कि बादशाह तो पहला है अबद इबरार इब्दाल नंबर दो है बादशाह बा अदब तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस तरह की मजदीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़